नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। प्रॉपर्टी गाइड में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं हम। आज बात करेंगे क्या आम बजट से प्रॉपर्टी बाजार की रौनक वापस लौट आएगी। दरअसल पिछले काफी समय से प्रॉपर्टी बाजार में मंदी के बादल छाए हुए हैं। रही सही कसर पूरी कर दी नोटबंदी ने। नोटबंदी के बाद से प्रॉपर्टी बाजार की कमर पूरी तरह टूट गई है, लेकिन अब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की उम्मीदें एक बार फिर से जाग गई हैं। आम बजट पेश होने वाला है, लिहाजा प्रॉपर्टी बाजार को ढेर सारी उम्मीदें हैं कि मोदी सरकार उनके लिए राहत की सौगात जरूर लाएगी। क्या आम बजट से बिल्डर्स और बायर्स को मिलेगी राहत? ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए करते हैं शुरुआत प्रॉपर्टी गाइड की। विल टेल यू एवरीथिंग। प्रॉपर्टी गाइड में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अनिल कोहली जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनिल जी। एक तारीख नज़दीक है और सभी को बहुत सारी उम्मीदें हैं इस एक तारीख से और मोदी सरकार के आम बजट से। इस पर आपसे बात करेंगे, क्या नई उम्मीदें हैं प्रॉपर्टी बाजार को, किस तरह फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट यहाँ दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो उम्मीदें हैं वो दोबारा जाग गई हैं। उम्मीदों का पहाड़ खड़ा हो गया है, लेकिन देखना होगा कि जो सौगात की यहाँ पर उम्मीद लगा रही है आवाम, आम जनता, क्या वो मिल पाती है और किस तरह फ़ायदा मिल सकता है, दिखाते हैं आप। रियल एस्टेट सेक्टर को इस बार मोदी सरकार के आम बजट का बेसब्री से इंतजार है। वजह कई हैं। एक तो पहले से इस सेक्टर में मंदी छाई है, ऊपर से नोटबंदी की मार। नोटबंदी ने इसी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोगों को बेरोजगार किया है। हालांकि अब आम बजट पेश होने वाला है, ऐसे में प्रॉपर्टी बाजार को आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। अब रही बात डिमोनेटाइजेशन की, तो हाँ, डिमोनेटाइजेशन का एक तात्कालिक प्रभाव काफ़ी निगेटिव पड़ा है। कई दृष्टिकोण से मैं डिमोनेटाइजेशन के प्रभाव को सकारात्मक भी मानता हूँ। आम बजट में रियल एस्टेट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की मांग की गई है, जिससे प्रोजेक्ट अप्रूवल में देरी की समस्या खत्म हो सकती है और डेवलपर समय पर प्रोजेक्ट का पोजीशन दे सकते हैं। तो वहीं हाउसिंग सेक्टर को सस्ते आवास क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने की भी उम्मीद है। जब तक जो पुराने प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, अभी क्या है कि सेंटीमेंट्स बहुत वीक हैं। सेंटीमेंट ऐसा नहीं है कि आज बायर है, एक्चुअल यूजर है, इन्वेस्टर नहीं है। और एक्चुअल यूजर भी बड़ा उसको लगता है कि आज जो पीछे प्रोजेक्ट 3 साल में पूरे होने थे, वो 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे चलते जा रहे थे। वो जब तक पूरे नहीं होंगे तो दोबारा विश्वास जो है ना एंड यूजर का जमेगा नहीं। जब तक एंड यूजर का विश्वास नहीं जमेगा तो ये मार्केट दोबारा चलेगी नहीं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको फंड फ्लो उनका किया जाए ठीक, ताकि वो प्रोजेक्ट टाइम से पूरे हो जाए और लोगों को अपने घर मिल पाए। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस इन्होंने किया है कि जो अगर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर है, उसमें तो स्टेटस वो मिल गया है। नॉर्मल हाउसिंग के अंदर नहीं है। अगर नॉर्मल हाउसिंग के अंदर भी वो मिल जाए तो जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हो पाएंगे। रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म नाइट फ्रैंक के मुताबिक नोटबंदी के बाद डिमांड में 44% गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट से 22,600 करोड़ रुपए का घाटा रियल एस्टेट सेक्टर को हुआ है। बायर की जो हमेशा से रहती है कि जो एक इंटरेस्ट का जो वेवर होता है उसका अमाउंट बढ़ाया जाए, जो इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, और साथ में इसमें एक और भी क्लॉज जुड़ा था कि विद इन 5 ईयर का पोजीशन मिलता है तभी आपको ये इंटरेस्ट का वेवर मिलता है। तो नॉर्मली हम इस एरिया में देखते हैं कि जो पोजीशन है वो 7 या 8 साल से पहले तो मिलता ही नहीं है, तो वो इंटरेस्ट का जो वेवर है जो इनकम टैक्स जो से मिलता है वो फिर वो उसको ले ही नहीं पाता। इसको ये क्लॉज को भी इसको देखना चाहिए। दूसरा यह है कि यहाँ पर जो इस एरिया के अंदर में हम लोग जो हैं एक फ्लैट खरीदते हैं, हम वैट भी देते हैं, रजिस्ट्री के पैसे भी देते हैं, सर्विस टैक्स भी देते हैं गवर्नमेंट को। एक देखें, एक फ्लैट का अगर हम 30 लाख का फ्लैट लेते हैं तो हम 10 लाख रुपये इनको गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक हमारे को इंश्योरेंस टाइप की भी मिलनी चाहिए कि हाँ, अभी आपको 3 साल या 4 साल में अगर फ्लैट नहीं मिलता तो गवर्नमेंट जो हमारे से फ्लैट का जो 30 लाख के फ्लैट के ऊपर 10 लाख रुपये अगर हमारे से टैक्सेस ले रही है तो वो इंश्योरेंस दे दे कि अगर नहीं मिलेगा 4 साल में फ्लैट तो वो गवर्नमेंट देगी हमारे को। बहरहाल अब सरकार के आम बजट से प्रॉपर्टी सेक्टर को कितनी राहत मिलेगी ये देखने वाली बात है।
टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से पूजा राठौर शर्मा की रिपोर्ट। तो रात है तो सवेरा भी होगा ही, अंधेरा है तो उजाला भी आएगा ही। क्यों अनिल जी, बहुत निराशा का दौर देख लिया प्रॉपर्टी बाजार ने और जो रियल एस्टेट का पूरा मार्केट है, लेकिन अब उम्मीदें हैं इस आम बजट से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बजट में काफ़ी सारे प्रोविज़न सुनने को मिल रहे हैं, जैसे अभी हमारे नारेटको के मित्र कह रहे थे कि इनकम टैक्स में रिबेट होनी चाहिए, तो जो इंटरेस्ट का लेवल अभी तक 2 लाख रुपए था उसे बढ़ा के 2.5 से 3 लाख करने की सुगबुगाहट सुनाई दी है बाजार से। हो सकता है प्रिंसिपल को भी एक अलग कैटेगरी में डाल के 1 या 1.5 लाख रुपए की छूट वहाँ भी दे दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस नोटबंदी की अर्थशास्त्री महोदय तारीफ कर रहे थे, मैं उसी में कुछ और भी जोड़ना चाहूँगा। देखिए, सरप्लस कैश आने की वजह से बैंकों के ऊपर एक प्रेशर हो गया है होम लोन देने का, और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने शुरू भी हो गए हैं। 0.3 एक बार गिराया गया, 0.2 एक बार गिराया गया, 0.25 एक बार रिड्यूस किया गया है इंटरेस्ट रेट को। तो यानी अब स्थिति ये बनेगी कि लोन्स फ्रीली अवेलेबल होंगे। जब लोन्स फ्रीली अवेलेबल होंगे तो कैश फ्लो बिल्डर का भी बढ़ेगा। जब कैश फ्लो बढ़ेगा तो जो हमारे अभी नेफा के जो प्रेसिडेंट महोदय थे वो कह रहे थे कि कैश फ्लो हो और प्रॉपर्टी टाइमली डिलीवर हो, तो वो भी संभव है। उसके अलावा और भी प्रोविजंस करने की संभावना हो रही है, जैसे कि अभी ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना को इंडस्ट्री का दर्जा या इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जा चुका है। अगर ऐसा हो जाता है और बचे हुए क्षेत्रों में भी हो जाता है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा बूस्टर का काम करेगा डेवलपर्स के लिए। ओवरऑल अगर आप देखें तो सरकार की भी इच्छा यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री रियल एस्टेट है, कृषि के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री भी रियल एस्टेट है, और उसके बावजूद भी रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं है। लेकिन इस दर्जे को मांगने से पहले डेवलपर्स को भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। इंडस्ट्री का दर्जा किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ना कभी दिया गया है और ना ही दिया जा सकता है। आपको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। आप सिस्टमेटिक चलें, कानूनों का पालन करते हुए चलें, निश्चित रूप से सरकार भी सुनती है, समझती है, और ये कैश काओ है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार अपनी कैश काओ को मतलब सपोर्ट नहीं करेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर हर कोई प्रॉफिट अर्न ही करना चाहता है, फिर बात चाहे भले ही गवर्नमेंट की क्यों ना की जाए। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए कि हम आम जनता की राहत की बात करें, तो क्या उन लोगों को जो लोग बहुत लंबे समय से अपने पोजीशन के लिए वो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, या वो लोग जिनको पोजीशन मिला लेकिन उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिला, उन्हें किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? नहीं देखिए, जो बन चुका है उसमें तो अब क्या मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि जो अब जो डिलीवर किया गया है वो जैसा है वैसा ही है। लेकिन आने वाले समय में अगर एक सिस्टमेटिक मार्केट बन जाता है और टाइमली डिलीवरीज हो जाती हैं, जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि एक सिंगल विंडो की डिमांड की जा रही है जी। अब सिंगल विंडो एक बहुत बड़ा बूस्टर होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आज से 15-20 साल पहले नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने प्रोसेस ऑन किया था, तो उससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा मिला था। अगर यही चीज रियल एस्टेट में हो जाए, रियल एस्टेट में अप्रॉक्सिमेटली 27 से 36 अप्रूवल चाहिए होते हैं एक प्रोजेक्ट को क्लियर करने के लिए। अब अगर आप ये मान लें कि एक महीना हर सरकारी दफ्तर उस फाइल को रोके और काम करे, तो 36 महीने तो इस बात में निकल जाते हैं कि अप्रूवल मिल जाए सारे। अब इन अप्रूवल्स को बाईपास करने के लिए ही लोग अपना रिश्वतें देते होंगे, या जैसे भी उसको मैनेज करते होंगे, या नियमों को तोड़ते होंगे, तो वो भी नुकसान कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर को ही पड़ता है। बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि ये बात किसी मेरे जानकार ने भी कही थी कि प्रोसेस ही इतना टायरिंग और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कोई इसे चाहकर भी फॉलो नहीं कर पाता है। बिल्कुल, अगर आप खुद देखें ना, आप एक आप बिजनेस में आते हैं और बिजनेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी आपकी 36 महीने में तैयार होनी है, अब 36 महीने में तैयार होने वाली प्रॉपर्टी में आपको 36 अप्रूवल चाहिए, और ये मान लें कि 20 अप्रूवल पहले चाहिए और 16 बाद में चाहिए, या 30 पहले चाहिए और 6 ड्यूरिंग द कोर्स चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको अपने काम पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर आप बिना अप्रूवल के काम करते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है, और अगर आप अप्रूवल का वेट करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट डिले होता है। तो मुझे लगता है कि जो सिंगल विंडो की चर्चा की जा रही है वो बहुत अच्छा स्टेप होना चाहिए। अगर एक बार ये हो जाए कि भाई ड्यू टाइम, अच्छा सिंगल विंडो में एक टाइम फ्रेम भी होता है, अगर इतने टाइम फ्रेम में आपने अप्रूवल नहीं किया तो डीम टू बी अप्रूव्ड है, फिर आप अपना काम कर सकते हैं, फिर आपको कोई पेनल्टी नहीं होगी। अब मेरे अगले क्वेश्चन का आपने एक आंसर भी एक पार्ट में कर भी दिया, लेकिन मैं चाहूंगी फिर भी आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बताएं कि सिंगल विंडो सिस्टम एक्चुअली है क्या और किस तरह से हेल्प कर सकता है। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं। देखिए, सिंगल विंडो में क्या होता है कि अभी ये सिंगल विंडो का जो प्रोसेस है वो ये होता है कि जब हम FDI या हम इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स को सीक करते हैं अपने कंट्री में,
उनको आपके सारे सिस्टम का पता नहीं होता जी। तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि एक सिंगल विंडो पैटर्न बनाया जाता है जहां पे वो अपने सारे डॉक्यूमेंट, मान लीजिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग में आना है, मुझे कार बनानी है जी, तो कार बनाने के लिए अब क्या क्या रूल होने चाहिए, मुझे लैंड चाहिए, मुझे उसके बाद बिल्डिंग का वो चाहिए, मुझे अप्रूवल, बिल्डिंग अप्रूवल के बाद फिर मुझे वहां से क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए, फिर मुझे लेबर डिपार्टमेंट से अप्रूवल चाहिए, फिर मुझे फाइनेंस से अप्रूवल चाहिए, फिर मुझे पुलिस से, वाटर डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सबसे मुझे अप्रूवल लेने हैं। अब अगर मैं ये सारे अप्रूवल एक आउटसाइडर होने की वजह से लेना चाहूँ तो निश्चित रूप से मेरे लिए एक बड़ा टीडियस टास्क हो जाएगा। तो क्या होता है कि हमें ये अप्रूवल चाहिए, इन अप्रूवल्स के लिए ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट एक पॉइंट पे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं जी। अब ये उस डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो सारे डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल ला करके दे जी। उससे एक हेडेक कम हो जाता है मैन्युफैक्चरर का और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे पाता जी। है अनिल, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। यहाँ पर अनिल है, अनिल सैनी जनकपुरी से हमारे साथ जी। क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, ये नोटबंदी का कब तक असर रहेगा? हम भिवाड़ी में कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं जी, कितना इंतजार करें? नहीं, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपके लिए तो एडवांटेजियस स्थिति है कि आप अगर लेना चाहते हैं, इस समय मार्केट थोड़ी सी करेक्शन में गई है, 15-20% के रेट रिवाइज हुए हैं, अगर आप वेट करेंगे तो 15-20% रेट बढ़ के मिलेंगे आपको, आपको तो तुरंत लेना चाहिए, इंतजार क्यों करते हैं आप? ये मत उम्मीद कीजिए कि अब आप कैश में खरीद पाएंगे, वो मुश्किल हो गया है जी। चलिए एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, पुणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, सुखबीर सिंह जी। यस मैम। क्या है आपका सवाल? ये मैम, ये एक रोहतक में प्लॉट है जी। हेलो जी, रोहतक में आपका प्लॉट है, आगे बताइए। हाँ, मेरा रोहतक में प्लॉट है जी, सेक्टर 4 में जी। क्या उसका अभी बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, क्या रेट चल रहा है जी, वहाँ पे बता पाएंगे आप जी? अनिल जी देखिए, सुखबीर जी, रोहतक एक बहुत बड़ा शहर है और ये अगर लोकेशन वगैरह कुछ आइडिया हो तो ज़्यादा अच्छा सेक्टर रहता। सेक्टर चार में है, तो उसके बावजूद भी देखिए अभी थोड़ा सा क्या है कि बाइंग स्लो है, तो इस समय आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना बेहतर रहेगा। अगर आप बजट के बाद तक का इंतज़ार कर लें तो आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। पर्टिकुलर पॉइंट पे भी, पर्टिकुलर सेक्टर चार में भी अलग अलग लोकेशन होती है, अलग अलग पोजिशनिंग होती है प्लॉट की, तो वो आप जब तक आप एक स्पेसिफिक हमारे को ना पता हो, हमारे लिए जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका किसी डेवलप्ड सिटी में है प्लॉट तो डेफिनेटली आपको अच्छे रेट मिल रहे होंगे, अगर हुडा के सेक्टर्स में है तो आपको अच्छे रेट मिल रहे होंगे, अगर फ्री होल्ड है तो रेट कम मिलेंगे। तो ये सब पहले आपको पूरा एक मतलब डिटेल्स अगर आप मेल भी कर देंगे चैनल को तो भी हम इसका जवाब और अच्छे तरीके से दे पाएंगे जी। बिल्कुल। और अनिल जी, यहाँ पर सवालों की अगर बात की जाए तो बहुत सारे सवाल सब आते ही हैं कि हमें प्रॉपर्टी बेचनी है, सेल करनी है। डीमोनेटाइजेशन की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर देखा गया है कि लोगों में मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है, लोग एक हिचक देखने को मिल रही है कि वो उनके पास पैसा है लेकिन वो डर रहे हैं इन्वेस्ट करने से, तो ये हिचक क्या दूर हो पाएगी? नहीं देखिए, ऐसा है कि लोग ना एक बेसिक होता क्या है कि जब एक एक फीलिंग फैलनी शुरू होती है, एक सेंटीमेंट फैलने शुरू होते हैं तो वो फिर बहुत दूर तक जाते हैं जी। अब हो क्या रहा है देखिए, अगर आप नोएडा का देखें, गाजियाबाद का देखें, दिल्ली का देखें, गुड़गांव का देखें, तो अभी भी 90% प्रॉपर्टी होम लोन के थ्रू खरीदी जाती है जी। तो वहाँ डिमोनेटाइजेशन का क्या असर है? कोई असर नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा भूत बना दिया गया कि लोग जो है अब उस पर रिएक्ट करने से भी डर रहे हैं जी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों के पास पैसा पड़ा है, अभी आपने देखा बैंकों में ओवर फ्लडेड हो गए बैंक, पैसा था लोग खरीद नहीं रहे थे जी। अब वो पैसा चैनल में चला गया, अब वो पैसा सिस्टम में आ गया, तो या तो वो आपको इंटरेस्ट अर्न करके देगा या अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न देगा जी। और उत्तम नगर से कॉलर जुड़ गए प्रदीप कुमार जी हमारे साथ। प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, हेलो जी, अपना सवाल बताएं। हां मैडम, मैं नोएडा एक्सटेंशन में जी एसिटी बुक कर रहा था। नोएडा एक्सटेंशन में एसिटी जी एक बेड बुक कराया था। हेलो जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं, आप सवाल दोहराएं एक बार। नोएडा एक्सटेंशन एसिटी में फ्लैट बुक कराया था जी। हां जी। आप वो पोजीशन दे रहे हैं जी, आपको परेशन दे रहे हैं फिर आप मैडम, जो एग्रीमेंट को उन्होंने जो लिखा था उससे कितनी ज्यादा 2 साल का अग्रिम जो है मेंटेनेंस चार्ज भी मांग रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे चार्जेस आपसे वसूल रहे हैं जो पहले मेंशन नहीं किए थे, अगर मैं समझ पाई तो। ऐसा नहीं था, 2 साल का अग्रिम मेंटेनेंस चार्ज करीब 2.5 लाख रुपया ऊपर लगा दिया है।
अच्छा, तो आपसे वो एक्स्ट्रा वसूल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्या ये मतलब क्या देना चाहिए? अच्छा, जेसन भी अभी ऐसी स्थिति में नहीं लगता, वो कह रहे हैं मार्च में होंगे। जी अनिल, हेलो जी, जी और मार्च कोई बात नहीं। हाँ। ब्रॉडली इनका सवाल समझ में आ गया है। देखिए, इनका कहना है कि इन्होंने किसी डेवलपर के यहाँ फ्लैट लिया है, फ्लैट का ऑफर ऑफ पोजीशन इन्हें लेटर मिल गया होगा जिसमें सर्टेन ड्यूज़ इनको बताए गए होंगे। देखिए मित्र, अगर वो ड्यूज़ आपके एग्रीमेंट के हिसाब से हैं और वो अगर लेजिमेट हैं तो आपको डेफिनेटली पे करने चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा ड्यू है जो आपके एग्रीमेंट में नहीं था और अब क्रॉप अप किया गया है, तो निश्चित रूप से आप उसके लिए बिल्डर से बात कर सकते हैं। बिल्डर से बात कीजिए, फाइट कीजिए, क्योंकि ये आपका राइट भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी डेवलपर जो नोएडा एक्सटेंशन में काम कर रहा है और जो इतने सारे रूल एंड रेगुलेशन से बंधा हुआ है, वो आपसे कोई एडिशनल इस तरीके की चार्जेस ले रहा होगा। मार्केट बहुत ही सेंसिटिव है, इस समय कोई भी आदमी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसको अपना क्लाइंट खोना पड़े। पर फिर भी आप अपने एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें और फिर देखें, अगर कोई डिमांड ऐसी की गई है जो अनजस्टिफाइड है, बिल्कुल आपका हक बनता है, आप पहले डेवलपर से लड़ें, नहीं बात बनती तो कंज्यूमर कोर्ट है आपके लिए। जी, चंडीगढ़ से ज्ञानदास जी जुड़ गए हमारे साथ। ज्ञानदास जी, क्या है आपका सवाल? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, चलिए कॉलर से नहीं जुड़ पाए, लेकिन आपसे एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूँगी। डॉक्यूमेंट की आपने बात की, अक्सर देखा गया कि जब भी कोई इस तरह का बॉन्ड होता है हम अग्रीमेंट करते हैं तो ना तो उसे हम पढ़ना चाहते हैं और ना ही हमें पढ़ने का वक्त दिया जाता है, तो इस तरह और फ्रैंकली स्पीकिंग तो टेक्निकलिटीज में ऐसी होती है कि एक आम भाषा में तो हम समझ ही नहीं पाएंगे उसे, तो किस तरह उसको पढ़ा जाए, उसको लेकर अलर्ट रहा जाए? मैं आपकी दूसरी बात से सहमत नहीं हूँ, पहली बात से सहमत हूँ कि हम पढ़ते नहीं हैं। जी, पढ़ने नहीं दिया जाता, मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। आपको पूरा टाइम दिया जाता है और होता क्या है कि हम अपने कुछ पैसे बचाने के लिए अपना नुकसान कर बैठते हैं। जब आप एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, आप अगर एक 500 रुपये या 1100 रुपये एक वकील को देकर अपने साथ ले जाएं या उससे वो एग्रीमेंट वेट करा लें तो आपको समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, एग्रीमेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है और आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसका इंटरप्रिटेशन आप उससे बिल्डर से मांग सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इस लैंग्वेज में लिखा होता है, कोई रशियन में या रोमन में नहीं लिखा होता कि आप उसे पढ़ ना सकें। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, वो हमारी अपनी जल्दबाजी होती है। जी, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, एन एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट अंटिल एंड अनलेस बोथ द पार्टीज एग्री टू इट। द मोमेंट वन इज डिसएग्री, इट इज अ डिस्प्यूट। जी, तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसपे आपने साइन कर दिए हैं और आपको लगता है कि वो फेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है, आप एक एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी आपके पास बचाव के कई रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। जी, अगर वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं आती तो आप उस फोरम में जा सकते हैं। अगर वो किसी भी रूल को ब्रेक कर रही है कंट्री के, तो भी आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको लगता है कि आपको जो इंटरप्रेट करके आपसे साइन कराए गए वो इंटरप्रिटेशन अब सही नहीं है, तो कंज्यूमर कोर्ट आपके लिए है, तो आपका रिड्रेसल के बहुत सारे जगह हैं। जी अनिल जी, अगर हम वापस अगर हम आम बजट की बात करें तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कही जा रही है मार्केट में, यूँ कहे कि हम एक बात फैलाई जा रही है कि ऐसे कुछ प्रोविजन आ सकते हैं जिनको लेकर कि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सोच समझ कर आगे की जाएंगी, क्योंकि ऐसा देखा गया कि बहुत सारा जो काला पैसा है वो लगाया गया रियल एस्टेट में, लेकिन अब अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, लोग पैसा लगाएंगे नहीं, तो फिर हम रौनक की उम्मीद कैसे करें फिर? देखिए, मैंने एक बार पहले भी आपसे जब चर्चा हुई थी, मैंने आपसे तब भी कहा था कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसमें एक्साइटमेंट लेवल होता है। जी, चाहे आप टीवी को देख लें, चाहे आप मोबाइल को देख लें, चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लें अपने जीवन में, तो एक्साइटमेंट लेवल जरूर होता है। जी, रियल एस्टेट में एक्साइटमेंट लेवल रहा है। जी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक प्रोडक्ट है। जी, और इस प्रोडक्ट को हमें प्रोडक्ट की तरह ही लेना चाहिए। मार्केट समय के साथ साथ मैच्योर हुआ है, आप वो उम्मीद तो बिल्कुल ना करें कि आप जो है आज प्रोजेक्ट लगाएंगे और कल आपके पास जो है 200 बुकिंग आ जाएंगी। अब ये प्रोडक्ट अपनी मेरिट्स पर ही बिक सकते हैं, तो अगर आप इन्हें मेरिट्स पर बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, अब वो जमाना चला गया जब आप घर से कहना मैं 2 करोड़ रुपए लेके आते थे, एक जमीन का बयाना देते थे और अगले दिन आप डेवलपर हो जाते थे, 50 लाख का एड देते थे और 5 करोड़ रुपए आपके पास आ जाते थे। वो जमाना तो अब नहीं रहेगा। अब जो सीरियस होगा इस बिजनेस में, जो मैच्योर होगा, जिसको इस प्रोसेस के, क्योंकि ये 3 साल का प्रोसेस है, अगर आप 3 साल तक इस प्रोसेस को हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप रियल एस्टेट में उतरें, वरना ये फील्ड अब आपके लिए नहीं है। जी बिल्कुल। और एक्साइटमेंट पूरा रहेगा, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान कभी भी जरूरत से बाहर नहीं जाएंगे। जी, इनकी जरूरत हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। जी, और दिल्ली से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या है आपका सवाल? नमस्कार जी मैडम। नमस्कार। मेरा सवाल ये है, सेक्टर 110 ए में गुड़गांव में
महिंद्रा पुरी वाले के जो बिल्डिंग बनी है उनके बीच में कॉलोनी है साई कुंज के नाम से कम 60-65% भर चुकी है वो जी। इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा, प्लॉट लिया हुआ है हमने 4-5 साल पहले, तो आने वाले टाइम में क्या अभी निकाले या फिर थोड़ा रुक कर रहे वहाँ पे जी। देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, साई कुंज एक अप्रूव टाउनशिप नहीं है, ये एक वो लैंड है जो सेक्शन 6 के अंतर्गत छोड़ी गई थी हैबिटेशन के लिए, जिस पर हम एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आबादी की जमीन छोड़ी जाती है एक गांव वाले को अपना घर और अपने परिवार को बसाने के लिए जी। उसको लोग प्लॉट काट के बेच देते हैं, उसको लोग फ्लैट बना के बेच देते हैं, उसकी सिचुएशन क्योंकि आप एक कानून को अवॉइड कर रहे हैं तो उसकी सिचुएशन हमेशा अंडर ड्रैगर रहेगी। अब आप इसे कैसे लेना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। हाँ ये जरूर है कि जमीन तो कहीं भी ली हुई हो पैसे बढ़ के ही मिलते हैं, थोड़ा सा भी मार्केट ढीला है, लेकिन जैसे ही मार्केट अपनी रिदम पे आएगा दोबारा, जैसे ही ये सेंटीमेंट्स लोगों की समझ में आएंगे, जैसे ये नोटबंदी के इफेक्ट लोगों को समझ में आएंगे, ये मार्केट पिक करेगा, तो निश्चित रूप से आपको 8-10% पर एनम का प्रॉफिट तो इसमें रहेगा ही रहेगा जी। अब आपकी जितनी कैपेसिटी हो रोकने की उतना रोक लीजिए जी। और सिरसा से जुड़ गए हमारे साथ राजकुमार हैं। राजकुमार जी क्या है आपका सवाल? हमने जी जमीन लेनी है और ले सकते हैं या अभी रेट आगे कम होंगे? और नहीं देखिए बिल्कुल ले लीजिए क्योंकि अब कम होने की उम्मीद कम नजर आ रही है। अब अगर हम जो अभी हम शुरू सुबह से जो चर्चा कर रहे हैं कि बजट में कुछ प्रोविजंस आने वाले हैं, अगर बजट में प्रोविजंस आते हैं तो निश्चित रूप से मार्केट स्ट्रेंथन होगा और अगर मार्केट मजबूत होगा तो प्राइसेस भी चढ़ेंगे। तो अगर आपका लेने का मन बना हुआ है तो अभी से शुरुआत कीजिए और 31 मार्च अपनी डेडलाइन बनाइए और उस समय तक खरीद लीजिए जो भी खरीदना चाहते हैं जी। अनिल जी वैसे भी आप हमेशा कहते हैं कि हमें ऑल ऑफ अ सडन कुछ ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन तो इस आम बजट को लेते हुए आप फाइनल कमेंट चाहेंगे आपसे कि क्या उम्मीद करें और कहां हम लोग उम्मीदों पर फुल स्टॉप लगाएं? मैं थोड़ा सा ना प्रो गवर्नमेंट हूं इस मामले में, आप ये मेरी एटीट्यूड जानती हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सरकार जो है इंटेलिजेंटली चल रही है। मेरा ये मानना है कि सरकार की नज़र में निश्चित रूप से ये परेशानियां हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई इंडस्ट्री जिससे उन्हें मैक्सिमम जॉब एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न मिलता हो, जिसको वो कल को अपने वोट में भी कन्वर्ट करते हो, उसे वो हैम्पर करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं खुद भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट में बहुत अच्छी छूट मिलेगी, इनकम टैक्स में बहुत अच्छी छूट मिलेगी, रिबेट्स अच्छी आएंगी और बिल्डर्स को अगर एक इंडस्ट्री का दर्जा या एक सिंगल विंडो का दर्जा अगर दिया जाता है जैसा कि सुना जा रहा है तो विश्वास कीजिए ये इंडस्ट्री दोबारा से चल निकलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। तो देखा आपने किस तरह से उम्मीदें एक बार फिर दरवाजा खोले हुए हैं, अब इंतजार इस बात का है कि जो बजट आएगा आम बजट उसमें सरकार क्या लेकर आती है अपने देश की जनता के लिए और किस तरह रियल एस्टेट बाजार में जो रौनक है वापस लौट आती है। कहें कि रियल एस्टेट बाजार एक बार फिर गुलजार होगा ये उम्मीद हर कोई कर रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए टोटल न्यूज़।